जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी हमेशा हमसे कहते हैं कि मेरे नाल गल्ला किया कर, मेरे को अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताया कर। संगत जी, अगर हम गुरुजी से बातें करेंगे, अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताएंगे, तो गुरुजी हमें सॉल्यूशंस ज़रूर देते हैं। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का लख लख शुक्राना, हर पल गुरु जी हमें दर्शन देते हैं, बटरफ्लाई के रूप में, मोर के रूप में, कबूतर के रूप में हर पल दर्शन देते हैं। गुरु जी जब भी हम स्कूल से घर आते हैं, गुरु जी बटरफ्लाई के रूप में आ जाते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ गुरु जी आ जाइए, चलो चले हम घर पर, तो गुरु जी हमेशा बटरफ्लाई के रूप में घर पर आ जाते हैं। गुरु जी का लख लख शुक्राना। गुरु जी ने मुझे ड्रीम में भी दर्शन दिए, उनके स्वरूप लगा हुआ था, तो वहाँ पर ना कुछ लिखा हुआ था, कोई अच्छा से याद नहीं है, लेकिन उसे फिर मैंने पढ़ के, फिर जब मेरी आँख खुली तो फिर सुबह हो गई थी। गुरु जी का लख लख शुक्राना। और गुरु जी ने गुरु गोविंद सिंह जी के रूप में भी दर्शन दिए, जिसमें मैं उनके पैर छू रही हूँ, तो गुरु जी का लख लख शुक्राना। और वहाँ पर सब लोग कह रहे हैं कि किसी के नहीं ये मिला है कि गुरु गोविंद सिंह जी के पैर छू पाए, लेकिन तुम्हें कैसे ये अवसर मिला, तो गुरु जी का लख लख शुक्राना कि उन्होंने मुझे इतने अच्छे दर्शन दिए। गुरु जी के स्वरूप में दर्शन तो हमेशा होते रहते हैं, जब भी आइस क्लोज करती हूँ गुरु जी के दर्शन हो जाते हैं। जब कोई सत्संग पढ़ती हो तो सामने से वो लाइन्स आ जाती हैं, शिवपुराण में सेम इसी तरह होता है। गुरु जी का लख लख शुक्राना, हर पल में गुरु जी के दर्शन हैं। गुरु जी परीक्षा भी बहुत लेते हैं, और उस परीक्षा में भी हमें पास होना पड़ता है, और उसमें हमारा विश्वास नहीं, कभी भी ढोलना नहीं चाहिए। गुरु जी पर विश्वास रखिए, उम्मीद रखिए, सब कुछ उन पर समर्पित कर दीजिए। गुरु जी हमेशा हमारे साथ हैं, वही अब ये हमारा सब कुछ देख रहे हैं, चला रहे हैं। उनके बिना अब पल भी अच्छा नहीं लगता। हमेशा गुरु जी के बातें कीजिए, वो सब कुछ जानते हैं, सुनते हैं, और सब बातों का सलूशन देते हैं। गुरु जी का लख लख शुक्राना। एक दिन गुरु जी की, मुझे नहीं पता था कि वो गुरु जी की स्वरूप में लगा हुआ उस दुकान में। जब मैं उस दुकान में गई तो मैंने देखा कि वहाँ पर गुरु जी का स्वरूप लगा। गुरु जी का लख लख शुक्राना। उस समय हम बड़े मंदिर जा रहे थे। गुरु जी का लख लख शुक्राना। और गुरु जी के तो अब सब कुछ सामान में भी ब्लैसिंग ऑलवेज गुरु जी लिखा रहता है, हर चीज़ में गुरु जी अब अपनी ब्लैसिंग देते हैं। गुरु जी पर विश्वास रखिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग बोलते समय कोई भी गलती हुई गुरु जी तो माफ़ कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबदा सर्वदा भला करो गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, बिल्कुल सही बात कही आंटी जी ने कि हमें गुरु जी से हमेशा बातें करते रहना चाहिए, अपनी प्रॉब्लम्स भी बताते रहना चाहिए, क्योंकि जब तक हम गुरु जी को अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बताएंगे, तो गुरु जी हमें सॉल्यूशन कैसे देंगे। अब हम सोचते हैं कि गुरु जी को तो हमारे बारे में सब कुछ पता है, हमारी प्रॉब्लम्स के बारे में भी पता है, लेकिन जब हम गुरु जी से बातें करेंगे, गुरु जी को अपनी प्रॉब्लम्स खुद बताएंगे, तो गुरु जी को भी अच्छा लगता है कि मेरी संगत मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रही है, मुझसे अपनी बातें शेयर कर रही है, तो गुरु जी हमें बहुत जल्दी आंसर दे देते हैं, बहुत जल्दी सॉल्यूशन भी बता देते हैं। इसलिए हमें गुरु जी से बातें करते रहना चाहिए। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि गुरु जी तो सब जानते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।